आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो होता ही। मुंबई के चेंबूर इलाके में 19 वर्षीय कॉलेज छात्र के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना चेंबूर इलाके में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC क्वार्टर के एक फ्लैट में हुई। अधिकारियों ने बताया कि मामला तब सामने आया जब पीड़िता अपने परिवार के साथ पुलिस के पास पहुंची और दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि पीड़ित और एक आरोपी एक ही इमारत में रहने वाले परिचित थे। घटना की रात आरोपी के परिवार वाले बाहर गए हुए थे और उसने अपने दोस्त को अपने घर बुलाया था। पीड़िता खाना पकाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए आरोपी के घर गई, जहां दोनों ने कथित तौर पर उसे नशीला पेय पिलाया। अधिकारियों ने कहा कि पेय कुछ घूंट पीते ही युवती बेहोश हो गई और कथित तौर पर दोनों आरोपियों ने बारी बारी से उस पर हमला कर दिया। होश में आने पर प्रीता को एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने फ्लैट पर पहुंची। उसके बाद उसने अपने माता पिता को घटना के बारे में सूचित किया और दोनों के खिलाफ औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करवाने के लिए चेंबूर पुलिस से संपर्क किया। उसके बयान के आधार पर दोनों व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड सहित IPC की धारा 376D, 328 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। उस महिला में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और बाद में 20 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स।